गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं आज उठा हूँ 10 बजे, क्योंकि कल रात मैं सोया था 2 बजे। लास्ट नाइट सोसाइटी में एक लड़की थी जो बालकनी से बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो हमें लगा उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो हम लोग वहीं नीचे खड़े थे, लेकिन वो बालकनी में ही सो गई। तो फिर हम घर पे आके 2 बजे सो गए। तो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करते हैं मॉर्निंग, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पे कर्टन लगाने हैं। धूप बहुत ज़्यादा आती है और मुझे नींद नहीं आती। 10 बज गए थे तो धूप पूरा मेरे ही ऊपर आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कर्टन्स लगाए जाए। एक्चुअली मैंने यहाँ पे हैंगिंग प्लांट्स रखे थे, इसलिए मैंने कर्टन नहीं लगा पाया, लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा आ रही है। सुबह सुबह बहुत जल्दी धूप निकल जाती है, तो कर्टन लगाना बनता है, नहीं तो नींद नहीं आएगी। और वैसे भी कर्टन ऐसे ही पड़े हुए थे बहुत दिनों से, तो सोचा कि अभी लगा लेता हूँ, उसके बाद मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करेंगे। क्योंकि उसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रहा था, मुझे अच्छे से नींद नहीं आई, क्योंकि अभी समर सीजन चल रहा है, तो फिर धूप 7 बजे निकल जाती है। सो 3 घंटे में ऐसे ही पड़ा था बेड पे। एनीवेज हम पी रहे आंवला जूस, इतना करके भी मेरे स्किन की पूरी वाड़ लगी पड़ी है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोगों को कैसी दिख रही है मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि एक दो पिंपल आ ही जाते हैं। एक जाता है वो अच्छा होता है, उसका डार्क स्पॉट चला जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ शुरू रहता है मेरे साथ। आई थिंक मुझे लग रहा है मेरे जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल रहे हैं पिंपल थ्रू, सो हो सकता है अच्छा। इसके बाद मैंने बनाई खिचड़ी और मैंने ब्रेकफास्ट करा खिचड़ी के साथ। आई थिंक ये मेरा लंच भी हो जाएगा, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट था। अभी मुझे जाना है बाहर, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बुलाया है लंच पे। सडन कॉल था तो मैं गया उसके घर पे, उसका घर बहुत प्यारा है, मुझे पसंद है। उसके बाद मैं आया घर, घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरे फेस पे थोड़े पिंपल है, तो मैंने बहुत दिनों से आइसिंग नहीं की थी फेस की, तो मैंने स्टार्ट किया आइसिंग करना। तो वहीं पे मैंने बर्तन भी धो लिए आइसिंग के बाद, क्योंकि बर्तन कल के पड़े हुए थे, मैं बहुत आलसी हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने पिया नींबू पानी, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, घर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और शरीर को ठंडा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी चिया सीड भी पानी में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि चिया सीड से भी आपका शरीर ठंडा होता है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। बाय बाय।